दिल्ली 3 दिनों तक जलती रही। उन दरिंदों को कब पकड़ा जाएगा और उनके असली मुजरिम कब होंगे सलाखों के पीछे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में विपक्षी पार्टियां यकायक अचानक आज ऐसा लग रहा है कि जाग पड़ी। पार्लियामेंट का बजट का सेशन दूसरा फेज आज शुरू हुआ, पहला ही दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया और इस बीच में कांग्रेस समेत टीएमसी और दूसरे पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया पार्लियामेंट के अंदर से लेकर के गांधी प्रतिमा के बाहर के सामने। पार्लियामेंट के परिसर में टीएमसी के नेताओं ने हाथों पर और मुंह पर पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठ रहा है, ये जो दो तस्वीरें जो कि आप देख रहे थे टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के, जहां पर विरोध प्रदर्शन आज चलता रहा, हालांकि राहुल गांधी भी, देखिए दो तस्वीरें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ में खड़े होकर के यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए, दो मांगे इस वक्त विपक्षी पार्टियों के जरिए उठाई जा रही है। एक ये कि दंगा के पीछे किसकी साजिश थी और आखिर यह दंगा हुआ कैसे, दंगा रोकने में सरकार नाकाम क्यों रही, क्योंकि पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है और ऐसे में गृहमंत्री का इस्तीफा भी विपक्षी पार्टियां ये मांग रही हैं। मगर अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो कि विरोध प्रदर्शन के दौरान और विरोध प्रदर्शन के बाद में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से मांग की शक्ल में दरअसल आज दिए गए। सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरे विपक्षी पार्टी क्या कह रहे हैं। गोली मारेगा, ये लोग चाहे हिंदुस्तान के सबको गोली मार देगा क्या? तो ये गोली मारो को जिसका नारा है उसको ये पूछना चाहते हैं किसको तुम गोली मारोगे। गोली मारते मारते दिल्ली को खाली करवा दिया, 3-4 इलाका तुम खाली करवा दिया, अगजनी किया, इसके चलते लोगों को घर बार छोड़ के लोगों को भागने पड़ा, खून हो रहे हैं, अभी भी लाश निकल रहे हैं। ये किस लिए? हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए। हम लोग ये देश चाहते थे, ये देश की नाम अच्छा दिन आने वाला की देश होते हैं। 3 दिन दंगे हुए, रात और दिन 24/7 3 दिन दंगे होते रहे। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को न कोई स्टेटमेंट देते देखा गया और न ही कहीं घूमने के लिए गए, और जिसके कारण यहाँ की पुलिस भी देखती रही। उसकी जो फुटेज आज दिखाई दे रही है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केंद्रीय सरकार चाहती थी कि जितने मरे मरने दो, जो जलता है जलने दो, कहीं फायर ब्रिगेड भेजने की कोशिश नहीं की। किसी न किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दिल्ली तो केंद्र सरकार के नीचे आती है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ दूसरे ऐसे जो हिंसा के ऐसे इंसिडेंट्स दुर्घटने हुए हैं, सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार से पूछ लीजिए उनकी जिम्मेदारी है, अब तो किसकी जिम्मेदारी है? गृहमंत्री का। इसलिए हम चाहते हैं कि गृहमंत्री भी इस्तीफा दे दें और अंत में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब दे दें कि क्या हो रहा है, क्या जिम्मेदारी। वो अब तक इस विषय पे 56 लोग के देहांत हो गए हैं, तो 56 इंच की बातें बहुत सुने हैं, लेकिन 56 लोग के देहांत अगर दिल्ली में हुए हैं और प्रधानमंत्री एक लफ्ज एक शब्द नहीं निकाला अब तक, तो इसका